लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 8 अक्टूबर 2018 को गांधी जी की 150वां वर्षगांठ पर गांधी पर्व का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध लोक गायिका विजया भारती ने भोजपुरी लोक गीतों में आज़ादी के तराने की शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मंच संचालन वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जैनेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर समाज सेवी राजेंद्र चड्ढा, संपादक ओमकारेश्वर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र और आरजेएस प्रमुख उदय कुमार मन्ना सहित आरजेएस भारत की मीडिया टीम भी मौजूद रहे। हम लोगों ने अपने जीवन में, मैंने खास करके यही मकसद रखा है कि बिल्कुल सही लीक पर लाते चलें, पारंपरिक धरोहर को बचाते चलें। अपने भी मैं रचना करती हूँ, लेकिन मेरी रचनाएं भी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल माटी के करीब ये गीत रचें। और इस माध्यम से मैं, मेरे साथ कुछ और कलाकार जो मेरी श्रेणी में हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और उन सब कलाकारों के साथ मैं आने वाली पीढ़ी को, आज के जो नए कलाकार बनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन सबसे यही निवेदन करूंगी कि कभी भी अश्लीलता का मार्ग ना अपनाएं और अपने पारंपरिक गीतों को बचाकर चलें। गांधी पर्व के बारे में, गांधी पर्व एक बहुत बड़ा सुखद पर्व है, और ये वक्त, ये साल, ये पर्व आया है तो हम बहुत खुश हैं। महात्मा गांधी जी का अमूल्य योगदान हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए रहा है, और उनको हम उनके 150वें साल पर याद कर रहे हैं, वो इस तरह से पर्व मना रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। और मैं ऐसे पर्व का हिस्सा हूँ, गाकर अपने अलग अलग मंचों पर, तो मुझे बहुत, मेरा सौभाग्य है कि मैं इससे जुड़ी हूँ। जो लोग लोकगीत के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, लोकगीत की तरफ अपना एक कैरियर अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना? मैंने उनके लिए यही कहा कि कैरियर अगर वाकई में अच्छा नाम और अच्छा काम करना है तो अच्छी दिशा में काम करें, अच्छे गीत गाएं, पारंपरिक गीतों को सहेजें, बड़ों से सीखें और तब आगे बढ़ें।